पर मिले थे साल 2004 में और ये सलमान खान की थे बॉलीवुड में, जिन्होंने कटरीना कैफ एक स्टार की तरह चमकने में मदद की और आज वो बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है और हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की पहली पसंद बनी हुई है। सलमान खान और कटरीना कैफ बॉलीवुड के एक ऐसे कपल है जिन्होंने कभी अपने प्यार के बारे में खुलकर बात नहीं की है। वास्तव में उन्होंने हमें अपने रिश्तों के बारे में उलझा कर रखा है। अब बात इस कदर है कि सलमान खान और कटरीना कैफ के बीच में प्यार और नफरत का रिश्ता है। सबसे पहले ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ऐसी खबरें सामने आई। लेकिन इसके बाद अचानक ही कटरीना कैफ और रणबीर कपूर एक दूसरे को डेट करने लगे और जैसे ही कटरीना सलमान को छोड़कर रणबीर की तरफ चल पड़ी तो कटरीना और सलमान खान के बीच में झगड़ा हो गया और इन दोनों के बीच के जो रिश्ते थे वो टूट गए और इन दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन जब कटरीना का रणबीर कपूर से नाता टूटा तो वहाँ से वो वापस से सलमान खान की खास दोस्त बन गई। कई बार हमने उन्हें एक दूसरे के साथ कुछ खूबसूरत पल बिताते हुए देखा है, लेकिन एक समय था जब कटरीना को सलमान के गुस्से का सामना करना पड़ा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सलमान खान अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर काफी पजेसिव होते हैं। ऐसी अफवाहें थी कि सलमान ने कई मौकों पर कटरीना पर हाथ उठाया। वास्तव में सूत्रों के अनुसार एक समय था जब कटरीना को उन्होंने कई लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया था। साथ ही कटरीना को सलमान खान की वजह से अपने जन्मदिन पर भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, जब शाहरुख खान के साथ सलमान खान की कुछ गर्मा गर्मी वाली बहस हो गई थी और यहाँ पर उन दोनों के बीच में काफी झगड़ा भी हुआ था। बात हाथापाई तक पहुँच गई थी और यही वो समय था जब कटरीना ने सलमान से ब्रेकअप कर लिया और फिर उन्होंने लगभग 5 साल तक दूरी बनाए रखी, क्योंकि वो एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे थे कि कटरीना ने एक बार सलमान को चुनौती दे दी थी, क्योंकि सलमान ने कहा है कि उन्होंने कटरीना को सुपरस्टार बना दिया। और इस बयान से कटरीना को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने सलमान को चुनौती दे दी कि अगर वो अपने आप को इतना ही खास समझते हैं तो क्यों ना अपना हाथ किसी और पर आजमाएं और उसे सुपरस्टार बना दें। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए सलमान खान ने निजी शाह को चुना, लेकिन जाहिर सी बात है कि कटरीना सही थी और 5 साल के बाद वो फिर से टाइगर जिंदा है में एक साथ नजर आए, जो 2012 की ब्लॉकबस्टर थी। और फिल्म के दौरान और फिल्म के बाद उन्होंने फिर से एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। उन्होंने हमें कुछ प्रमुख रिश्ते भी दिए। हमने देखा है कि कैसे कटरीना अपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी सलमान के जन्मदिन में शामिल हुई। अब जब भी ये दोनों एक दूसरे के इस तरीके से करीब आते हैं तो फिर चर्चाओं का बाजार गर्म होने ही लगता है। वैसे भी सबने कई दफा देखा है कि सलमान खान अक्सर ही कटरीना कैफ की काफी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। हम कह सकते हैं कि उनका प्यार अभी तक मरा ही ना हो और हो सकता है वो अभी भी एक दूसरे के लिए वैसा ही महसूस करते हो। और निश्चित रूप से उनके फैंस के लिए एक अच्छी खबर होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप तक ऐसी और भी कई मनोरंजक कहानियाँ किस्से खबरें लेकर आते रहेंगे इस चैनल के साथ। बने रहिए।